एक स्कैम में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग पकड़े जाते होंगे? एक, दो, दस से ज्यादा? लेकिन कैसा लगेगा आपको अगर आपको पता चले कि इंडिया के अंदर एक ऐसा स्कैम भी हुआ है जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा जा चुका है और जेल भी भेजा जा चुका है। इतना ही नहीं, इस स्कैम में 10 साल से ज्यादा का समय निकल चुका है और तो और 48 लोग जो इस केस से जुड़े थे वो अपनी या तो जान गंवा चुके हैं या फिर उनके साथ वो हुआ जो किसी फिल्मी कहानी जैसे था। हमने इस चैनल के थ्रू आपसे कई बड़े स्कैम्स के बारे में डिस्कस किया है दोस्तों, लेकिन आज हम एक ऐसे मिस्टीरियस घोटाले के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जिक्र करते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए, नेता हो, पत्रकार हो या आम लोग, जिसने भी इसके घोटाले के बारे में जानने की कोशिश की या तो वो गायब हो गया या फिर उसकी किसी हादसे में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से आज तक ये स्कैम कोर्ट की फाइल्स में बंधे बंधे बस इधर से उधर चक्कर लगा रहा है। 48 लोगों की जान जाने के बाद भी सीबीआई, जिसे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी होने का दर्जा प्राप्त है, वो भी आज तक इस सीरियल किलर वाले घोटाले के सच से पर्दा नहीं उठा सकी है। अब सवाल यहां से ये खड़ा होता है कि भला ऐसा क्या है भाई इस घोटाले में कि जो भी इस घोटाले के बारे में ज्यादा छानबीन करता है वो खुद गायब हो जाता है। आखिर क्या हुआ था इस घोटाले में, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में विस्तार से। देखिए, कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि 2013 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में छात्र MBBS की परीक्षा दे रहा था, लेकिन तभी पुलिस को एग्जाम देते हुए कुछ छात्रों पर शक हुआ और उन्हें पकड़ा गया। इसके बाद जांच हुई तो मालूम चला कि कुछ फर्जी स्टूडेंट्स किसी दूसरे के नाम पर एग्जाम दे रहे थे। फिर क्या था, पुलिस ने यहां से 7 मुन्ना भाई को धर दबोचा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के तो पसीने छूटने लगे क्योंकि इस खेल में एक के बाद एक बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आने लगे। पता चला कि सालों से मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जो इसी तरह का फर्जीवाड़ा कर स्टूडेंट्स को MBBS में इसी तरह एडमिशन दिलाता है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि भविष्य के डॉक्टर जो किसी की जान बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो खुद एक फर्जी एग्जाम कंडक्ट करके पास हो रहे हैं। तो जब वो एक डॉक्टर बनकर किसी हॉस्पिटल पहुंचेगा तो किसी का क्या ही इलाज करेगा। जब इन फर्जी स्टूडेंट से पूछताछ की गई तो डॉक्टर जगदीश सागर का नाम सामने आया। इन पर आरोप लगा कि ये पैसे लेकर फर्जी तरीके से मेडिकल कॉलेजों में छात्रों का एडमिशन करवाता था, जिससे उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। लेकिन नहीं, ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकने वाला था, क्योंकि जब इनसे पूछताछ आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि यहाँ ये इतना बड़ा नेटवर्क है जिसमें मंत्री से लेकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और दलालों का पूरा गिरोह काम कर रहा है और इन सारे काले धंधों का सबसे बड़ा अड्डा यानी हेडक्वार्टर ऑफ दिस स्कैम है व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम का ऑफिस। जैसे ही इस फ्रॉड के खेल में नाम आते ही सभी अखबारों की हेडलाइन में व्यापम का नाम छा गया और तब से ही फर्जीवाड़े का ये खेल व्यापम घोटाले के नाम से मशहूर हो गया। यहाँ पर अब आपको एक बात जाननी बहुत जरूरी हो जाती है कि व्यापम एक तरह की बॉडी है जो स्टेट में होने वाले एग्जाम्स, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, को कंडक्ट करने की एक मशीनरी है। बल्कि ये रिक्रूटमेंट एजेंसी उस समय करीब 1 दर्जन एंट्रेंस एग्जाम लिया करती थी। यही एजेंसी तय करती थी कि भाई राज्य में कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन पुलिस और कौन नर्स, यानी मध्य प्रदेश का भविष्य कैसा होगा वो इसी ऑफिस से डिसाइड होता था। और इस बात से आपको बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए कि व्यापम का मुखिया भी इस काले कारनामे का बड़ा खिलाड़ी था, और ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा थे। अब जरा सोचिए, जिन लोगों के हाथ में इतनी बड़ी बागडोर थी कि वो देश के एक राज्य के एजुकेशन सिस्टम को पावरफुल बनाकर वहां के रियल टैलेंट को देश विदेश भेजें, वही लोग दीमक बनकर सिस्टम को अंदर से इस तरह खोखला कर रहे थे कि फ्यूचर तो छोड़िए साहब, असल मायने में मेहनत से एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के साथ कितना बड़ा जुर्म कर रहे थे। इसके अलावा जगदीश सागर की गवाही ने कानून के लिए ये मुश्किल काम थोड़ा आसान बना दिया और 16 जून 2014 को लक्ष्मीकांत शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर आरोप था कि इनके ही नाक के नीचे बरसों से फर्जी भर्ती का धंधा चल रहा था। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की जिम्मेदारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर तो थी, लेकिन इन्होंने दूसरे एग्जाम्स भी अपने डिपार्टमेंट के जरिए करवाए ताकि सीधे वो अपने पावर का इस्तेमाल कर सकें और जिसको चाहें उसको इंजीनियर बना दें और जिसे चाहें उसे डॉक्टर बना दें। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता था कि किसकी जेब कितनी भारी है। मंत्री जी और उनके लोगों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके
स्टूडेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए थंब इम्प्रेशन और ऑनलाइन फॉर्म का सिस्टम ही पूरी तरह खत्म कर दिया। वो अपनी पावर का यूज करके फर्जी स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट कैंडिडेट के करीब बैठा देते थे ताकि वो नकल कर सके। कभी कभी कैंडिडेट आंसर शीट खाली छोड़ देता था जिसे बाद में भरा जाता था और रिजल्ट में मार्क्स को बढ़ा दिया जाता था। इस खेल में कॉलेजों के प्रिंसिपल्स और प्रोफेसर तक भी शामिल थे। अब आइए जरा आपको बताते हैं कि मंत्री जी के मेन्यू में आप कितना पैसा देकर क्या बन सकते थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कंडक्टर के पोस्ट के लिए तकरीबन 5 से 7 लाख, फूड इंस्पेक्टर के लिए 25 से 30 लाख और सब इंस्पेक्टर के लिए 15 से 22 लाख रुपए लेकर फर्जी तरीके से नौकरियां बांटी जा रही थी। इस घोटाले का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब एंट्रेंस एग्जाम के बाद कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो उनका चेहरा और एडमिट कार्ड पर लगी फोटो दोनों अलग होते। इसके बाद भी उन्हें इंटरव्यू में पास करके उन्हें एडमिशन दे दिया जाता और इसी के बाद व्यापम के लिए मीडिया में एक लाइन बड़ी फेमस हो गई थी कि फॉर्म कोई भरे, एग्जाम कोई दे और जॉब किसी और की लगे, ये तो सिर्फ व्यापम में ही हो सकता था। इस घोटाले में आरोप है कि नेता और बड़े अफसरों ने मिलकर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरी तरह हैक कर लिया था और इसी वजह से इसमें बहुत बड़े लेवल पर फ्रॉड किया गया। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार करके रेवड़ियों की तरह नौकरियां बांटी गई। अब यह घोटाला 2006 से ही चल रहा था। बताया जाता है कि यह घोटाला पूरी तरह से पिरामिड की तरह काम कर रहा था। इस पिरामिड में सबसे नीचे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स थे, जबकि ऊपर रसूखदार लोग थे जिन्हें इस पूरे घोटाले का पैसा जा रहा था। जो रसूखदार लोग थे उन्हें कभी जेल नहीं हुई, कुछ लोग जेल गए भी तो सबूत के ना होने की वजह से छूट गए। व्यापम के तार ताकतवर लोगों से जुड़े थे, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके लपेटे में सीनियर अफसर से लेकर मंत्री तक आ गए थे। इस घोटाले की आग मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन राज्यपाल राम नरेश यादव तक भी जा पहुंची थी। हालांकि कभी भी इस मामले में शिवराज सिंह चौहान से कोई पूछताछ नहीं हुई और ना ही उनके खिलाफ कोई केस दर्ज किया गया। इस घोटाले में कुल 2500 से ज्यादा लोग अक्यूज्ड बने और तकरीबन 2000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। घोटाले की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनी, लेकिन जुलाई 2015 में ये मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सीबीआई की जांच आज तक पूरी भी नहीं हो पाई है। बताया जाता है दोस्तों कि जब एसटीएफ घोटाले की जांच कर रही थी ना, तो उसे व्यापम के कई एग्जाम्स में गड़बड़ियां मिलने लगी। लेकिन एसटीएफ ने फिर एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि व्यापम से जुड़ी जो भी कंप्लेंट्स हैं उन्हें डॉक्यूमेंट्स के साथ एसटीएफ के पास लेकर आएं। ऐसे में एसटीएफ के पास कई हजार शिकायतें पहुंच गईं, जिसकी जांच करना एसटीएफ के लिए मुमकिन नहीं हो पाया। साल 2004 से 2014 के बीच में व्यापम ने 79 भर्ती परीक्षाएं कराई और व्यापम कोई भी एग्जाम बिना फर्जीवाड़े के आरोप के बिना आज तक नहीं करवा पाया है। एसटीएफ की जांच में 2008 से 2013 के बीच दूसरे के नाम पर एग्जाम देने और रोल नंबर बदले जाने के हजारों मामले मिले, लेकिन इसे पावर के दम पर काफी हद तक दबाने की कोशिश हुई। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ उस समय आया जब एमपी के उस समय के गवर्नर राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की सस्पिशियस कंडीशन में मौत हो गई। अब इस मामले में तत्कालीन गवर्नर को भी अक्यूज्ड बनाया गया था। वहीं उनके बेटे पर यह आरोप था कि भाई उन्होंने 10 कैंडिडेट से नौकरी देने के नाम पर करोड़ों रुपए लिए थे। इस मामले में देखते ही देखते मौत का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो किसी को कुछ समझ नहीं आया। स्टैट्स की माने तो व्यापम घोटाले से जुड़े 11 लोगों की मौत अलग अलग रोड एक्सीडेंट्स में हो गई, 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया, 2 लोगों की मौत ब्रेन हैमरेज से हो गई, तो कुछ लोगों की मौत का कारण आज तक भी पता नहीं चला। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस घोटाले से जुड़े जितने बिचौलिए हैं उनमें से ज्यादातर सड़क हादसे में मारे गए। कई मौतों से पहले लोग अचानक गायब हो गए और बाद में उनकी लाश लावारिस हालत में मिली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में देश के जाने माने न्यूज चैनल आज तक के पत्रकार की भी सस्पिशियस कंडीशन में मौत हो गई थी। पत्रकार अक्षय सिंह व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, वहां उन्हें चाय दी गई। जैसे ही उन्होंने चाय पी उनका चेहरा अकड़ने लगा और अस्पताल जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है।
लेकिन इस मौत ने साबित कर दिया कि जो भी इस बरमूडा ट्रायंगल जैसे इस मिस्टीरियस घोटाले के बारे में जानना चाहता है भाई, उसकी मौत खुद ही एक राज बनकर रह जाती है। अब इसी तरह इस मामले में कुल 48 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस स्कैम पर एक किताब व्यापम गेट लिखी गई है, जो फॉर्मर इंडिपेंडेंट MLA पारस सकलेचा ने लिखी है। अपनी बुक में उन्होंने इस स्कैम के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। STF की जांच पर सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, तत्कालीन पुलिस महानिदेशक से पूछताछ ना होने पर हैरानी जताई है। देखिए, इस मामले में पिछले 10 सालों से इंसाफ के इंतजार में हजारों आंखें बेसब्र ही रह गई। लेकिन 2022 व्यापम घोटाले के मामले में सिर्फ 8 लोगों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है, और ये भी वही आरोपी थे जो फर्जी स्टूडेंट्स बनकर MBBS की परीक्षा दे रहे थे। उन लोगों को कोर्ट ने कुछ नहीं कहा जो इससे जुड़े हुए थे। इस मामले में अभी तक 2500 से ज्यादा आरोपियों में से सिर्फ 100 ही दोषी ठहराए जा चुके हैं, और एक भी बड़ा ऑफिसर या नेता इस केस में फंसने के बावजूद नहीं पकड़ा गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि अलग अलग अदालतें, हजारों आरोपी, 50 से ज्यादा केस, ढेरों वकील और सैकड़ों गवाह, ऐसे में वकील, आरोपी, फरियादी और गवाह को अदालत में हर पेशी पर लाना चैलेंजिंग काम है। यही कारण है कि इस मामले में दोषियों को सजा मिलने में इतनी देर हो रही है। अब खैर, व्यापम का नाम मिट्टी में तो मिल ही चुका था, लेकिन इसको बचाने की जद्दोजहद अब भी जारी थी, जिसके चलते चंद महीनों के लिए स्टेट में रूलिंग पार्टी बदली तो कमलनाथ सरकार ने इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी PEB रख दिया। जब फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार वापस आई तो उन्होंने इसका नाम बदलकर कर्मचारी चयन मंडल कर दिया। नाम बदलने के साथ एग्जाम सिस्टम को पावरफुल करने के लिए कई टेक्निकल बदलाव भी किए गए। पूरे एग्जाम सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया गया। एग्जाम सेंटर पर कैंडिडेट के अंगूठों का निशान लेने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया। इसके साथ साथ एग्जाम एप्लीकेशन से कैंडिडेट के फोटो का भी मिलान शुरू किया गया। लेकिन इतनी सारी टेक्नोलॉजी को अपनाने के बाद भी मध्य प्रदेश के एग्जाम में फर्जीवाड़े के आरोप लगते रहे हैं। अब पिछले साल का ही इंसिडेंट ले लीजिए। पिछले साल मध्य प्रदेश में पटवारी की परीक्षा में भी गड़बड़ी की बात सामने आई थी। इसमें टॉप 10 स्टूडेंट्स की जो लिस्ट जारी हुई तो उसमें एक ही सेंटर के 7 स्टूडेंट शामिल थे। इसके साथ ही इसमें 15 लाख रुपए रिश्वत लेने की बात भी सामने आई। इस एग्जाम से पहले एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम में भी ऐसे ही गड़बड़ी की बात सामने आई थी, जिसमें एक ही रीजन के 7 स्टूडेंट्स टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गए। इसके अलावा नर्स की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा पेपर लीक के बाद रद्द कर दी गई थी। तो दोस्तों, यह है व्यापम घोटाले से जुड़ी हुई जानकारी। आप क्या सोचते हैं इस घोटाले के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।